किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। व्हाट इज ए पॉलीनोमियल? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सो ऑन प्लस ए एन इन टू एक्स टू द पावर एन वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। Such an expression is called a polynomial of degree n. If n is equal to 1, then it is called a linear polynomial. For example, 2x plus 3 is a linear polynomial. If n is equal to 2, then it is called a quadratic polynomial. For example, x square plus 4x plus 3 is a quadratic polynomial. If n is equal to 3, then it is called a cubic polynomial. For example, x cube plus 2x square minus 3x plus 8 is a cubic polynomial. इससे ज़्यादा डिग्री के पॉलीनोमियल को हम सिंपली कहते हैं, सो अगर डिग्री 4 का पॉलीनोमियल होगा तो हम उसे कहेंगे इट्स ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4। वी डोंट गिव इट ए स्टैंडर्ड नेम एज सच। नेक्स्ट वी वांट टू नो व्हाट डू वी मीन बाय जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल। सो ए नंबर अल्फा इज सेड टू बी the zero of a polynomial p of x if p of alpha is zero. It means x की जगह आप अगर alpha को रख देंगे और उससे उस expression की value zero हो जाए तो उस point alpha को हम polynomial की zero बोलेंगे। So graphically आप देख सकते हैं zero के क्या meaning है। Zero by zero of a polynomial we mean the curve y equal to px cuts the x-axis in how many points? So, अगर y equal to px, x-axis को एक point पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस polynomial की एक zero है। अगर y equal to px का graph, x-axis को दो point में कट कर रहा है, तो it means उस polynomial की two zeros हैं। और अगर y equal to px का graph, x-axis को कट ही नहीं कर रहा है किसी भी point पर, it means that polynomial has no zero. Now we will also learn about the relationship between the zeros and coefficients of a polynomial. तो उसके लिए सबसे पहले हम quadratic polynomial लेते हैं। Let our quadratic polynomial be ax square plus bx plus c. A, b, c are called the coefficients of the polynomial and x is called the variable. Now let alpha and beta be the zeros of this polynomial. Then by factor theorem, you must be knowing that x minus alpha and x minus beta will be factors of the polynomial. So their product will also be a factor of the polynomial. Now, it means ax square plus bx plus c is equal to x minus alpha into x minus beta. लेकिन अब इसको आप ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड को अब अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पर x का कोफिशिएंट 1 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पर a आ रहा है। तो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब आपको राइट हैंड साइड से भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। द रिलेशनशिप इज एज फॉलोज। Alpha plus beta is equal to minus b by a, that is minus coefficient of x upon coefficient of x square, and alpha into b beta will be equal to c upon a, which is the constant term upon coefficient of x. You will definitely find some problems related to this concept in your exam, so remember this formula very carefully. अल्फा प्लस बीटा को आप सम ऑफ द रूट्स भी बोल सकते हैं और इसी तरह अल्फा इनटू बीटा को आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको दो रूट्स या जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल दी हुई हैं, तो आप सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लीजिए एंड देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आप इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं फॉर ए क्यूबिक पॉलीनोमियल। सो सपोज योर क्यूबिक पॉलीनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस b अपॉन a
alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is C upon A, and alpha into beta into gamma is minus D upon A. अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, और जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, तो जो अभी रिलेशनशिप हमने पॉलिनोमियल में सीखी वो यहाँ भी वैलिड रहेंगी। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा विल बी सी अपॉन ए। नाउ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के कुछ मेथड आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, यहाँ पर हम एक नया मेथड सीखेंगे विच इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट इज डिफाइंड टू बी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। If it is greater than 0, then the quadratic equation has two real and distinct roots. If b square minus 4ac is equal to 0, then the quadratic equation has real and equal roots. So both the roots become the same. And if b square minus 4ac is less than 0, then the quadratic equation does not have any real root. The roots will be imaginary. And imaginary numbers hum class 10th mein nahi padhenge. Ye aap aage aane wali हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसके रूट्स निकालने के लिए बोला जाए तो उसके रूट्स क्या होंगे? दे विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो प्लस साइन के साथ आपको एक रूट मिल जाएगा और इसी तरह माइनस साइन के साथ आपको उसका दूसरा रूट मिल जाएगा। किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।